नमस्कार दोस्तों, कल हम लोगों ने भौतिक विज्ञान में पढ़ा था न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी बेस का चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल पढ़ा था। उसके अतिरिक्त हमने एक आध दो न्यूमेरिकल और बताया था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए थे। उसमें एक हमने ये बताया था जिसमें 5 प्लेट थे समान क्षेत्रफल के समान दूरी पर रखे हुए थे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जिनका कनेक्शन कुछ इस भांति था। उसको हालांकि हमने प्रयास किया था कि आप लोगों को समझ में आ जाए, फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो देखिए, आज हम फिर उसी को बता देते हैं कैसे होता है। ये कनेक्शन हमने करवाया था और इसका कनेक्शन किया गया था इसके साथ, ठीक है। तो चलिए, इसका तुल्य धारिता पूछा गया था कितना होगा इस कैपेसिटर का। तो फिलहाल इसमें तो 4 कैपेसिटर हैं, हम 2 कैपेसिटर का पहले समझते हैं, उसके बाद जो है जैसे ये है, ध्यान समझिएगा। तो 3 प्लेट लगा दिया, तो जब 3 प्लेट लगा दिया, ठीक है, सभी समान क्षेत्रफल के हैं, और हमने क्या किया कि इसको प्लस सिरा से जोड़ दिया और इसको माइनस सिरा से जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए, जब ये माइनस हो गया, क्लियर, ये माइनस हो गया, ये सिरा माइनस है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक प्लस सिरा होगा। अब जरा ध्यान समझिएगा कि 2 है कैपेसिटर और इसमें ये प्लस है, तो इधर से ये माइनस होगा, क्लियर है। इसका मतलब ये है कि इस कैपेसिटर का प्लस सिरा यहाँ पर है और इस कैपेसिटर का माइनस सिरा यहाँ पर है। अब इसको हम अलग अलग कर दें। अब देखिए, जो ये बीच वाला है ये 2 भागों में बटा, तो जब 2 भागों में बटा, क्योंकि यही जोड़ा गया है, ये प्लस दिया जा रहा है, ये माइनस दिया जा रहा है, इसीलिए इसके इधर की तरफ प्लस हो गया। तो हम क्या करें कि जो ये माइनस वाला सिरा है, ठीक है, ये माइनस वाला, तो इसके प्लस वाले सिरे को इधर दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस प्लेट के एक तरफ माइनस है, दूसरी एक तरफ प्लस है, तो दूसरी तरफ माइनस है, तो इसका कनेक्शन और फिर हम कर देते हैं इससे, माइनस वाले से, समझिएगा, ठीक है। और फिर हम जो है ये प्लस है, यहाँ पर इधर प्लस हो गया क्योंकि ये प्लस वाला जोड़ा गया है, तो प्लस सिरा हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसका और इसका कनेक्शन हमने कर दिया, तो इसको हमने माइनस से जोड़ दिया और इसको हमने जोड़ दिया प्लस से। तो अब देखिए, इसमें 3 प्लेट थे और ये 3 प्लेट वाला ही बना है, परंतु ये एक दोनों मिलकर एक ही प्लेट का निर्माण कर रहे हैं जो कि जुटे हुए हैं। तो ये किस क्रम में जुटे हुए हैं, तो सीरीज में जुटा है ना, कि ये इस माइनस तो ये प्लस, फिर इधर माइनस तो फिर ये प्लस, तो ये सीरीज में जुटा है। तो जब भी इस तरह का जोड़ा गया है तो सीरीज में जुटा है, तो अगर एक का सी है तो टोटल का कितना हो जाएगा, तो 1/C बराबर 1/C + 1/C, तो ये हो जाएगा 2/C, 1/C, तो C बराबर हो जाएगा C/2। और C की वैल्यू हमें पता है कि ε0 A/D, A और D दिया जाएगा, हम निकाल लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर दो के लिए पहला केस था, ठीक है। लेकिन अगर हम ये करते कि इसमें ये 3 प्लेट है, ध्यान समझिए, 3 प्लेट हैं, और इसमें जो है हम इसको जोड़ देते हैं माइनस से और इसको जोड़ देते हैं प्लस से और इसका कनेक्शन कर देते हैं इससे, ठीक है। अब जरा आप देखिए कि जब हमने इसका कनेक्शन इससे कर दिया, तो इसका माइनस, इसमें 2 संधारित्र हैं,
ये माइनस है ना, ये माइनस है, इसका मतलब जुट गया इसके साथ तो ये भी माइनस ही होगा, याद रखिएगा, ये भी माइनस। अब ये बीच में है ना, तो बीच में है तो इसके पास दो संधारित्रों का प्लेट है, तो इधर वाला प्लेट जो है, इधर देखिए, इधर वाला प्लस होगा, क्योंकि ये जोड़ा गया है, तो जब भी जिससे भी जोड़ेंगे तो दोनों तरफ ही प्लस होगा, तो इधर भी प्लस होगा। जो प्लेट को हम देंगे करंट, ठीक है, तो प्लस सप्लाई होगा तो प्लस होगा दोनों तरफ, और माइनस होगा तो माइनस होगा दोनों तरफ, दूसरे कैपेसिटर यानी दूसरे प्लेट पर बदलेगा। तो ये माइनस जोड़ा है तो इसी को इससे भी जोड़ दिया, तो ये भी तो माइनस हो गया ना, इसीलिए। अब देखिए कि माइनस का दोनों संधारित्र, जैसे एक संधारित्र ये है और एक संधारित्र ये, दोनों संधारित्र का माइनस जुट गया, दोनों संधारित्र का माइनस हम जोड़ देते हैं यहाँ पर, ऐसे दोनों संधारित्रों का माइनस यहाँ पे हो गया, ये माइनस सिरा हो गया, और दोनों संधारित्रों का प्लस सिरा इधर आ गया, दोनों संधारित्रों का प्लस सिरा इधर आ गया, तो इधर जुट गया। अगर हम ये कहें कि ये दोनों संधारित्रों का माइनस सिरा एक तरफ, दोनों संधारित्रों का प्लस सिरा एक तरफ, तो ये किस में हो गया, समांतर में हो गया, ये किस क्रम में हो गया, समांतर में हो गया। अब देखिए ये दूसरा में है, जब हमने इसमें जोड़ा तो समांतर में हो गया, और जब इसमें जोड़ा कि एक जो है बीच में था यहाँ पर, इसको हमने दिखाया, तो इसमें क्या बताया, ये करेक्शन किया गया है कि बीच वाला छोड़ा गया है, बीच वाला हमने छोड़ दिया है, बीच वाला हमने छोड़ा है, और किनारे किनारे वाला हमने कनेक्शन कर दिया, इसको माइनस से और इसको प्लस से, तो ये किस में हो गया, सीरीज में हो गया। लेकिन जब ऐसे हमने जोड़ा तो ये किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में हो गया। इसके पास दो प्लेट है, क्योंकि ये इधर वाले संधारित्र के लिए भी है, इधर वाले संधारित्र के लिए भी है। क्लियर है, समझ में आया? अब देखिए, अगर ये दो के लिए समझ में आ गया, तो ये सी है, ये भी सी है, तो सी डैश होगा, तो सी डैश बराबर सी प्लस सी यानी टू सी, और सी का मान यहाँ रख देंगे, ये भी क्लियर है। तो क्या पहला और दूसरा समझ में आया, आ गया समझ में? तो ज़रा पहला और दूसरा बना लीजिए, पहला और दूसरा बनाइए जल्दी से। पहला आप यहाँ बना लीजिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और इसमें इस सिरे को जो है माइनस से जोड़ा गया, और इसको जो है प्लस से, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, इधर माइनस हुआ होगा, इधर माइनस है, तो इधर प्लस हुआ होगा इसके लिए, तो ये सीरीज में हो गया, ठीक है, तो सीरीज में हो गया, तो ये जो है यानी इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए, ये सीरीज में हो गया, तो इसका ये हो गया सी बाई टू आ गया, और जब इस तरह का हो, तीन ही है इसमें भी प्लेट, एक दो तीन, तीन प्लेट है, लेकिन बीच वाले को प्लस से जोड़ दिया और किनारे वाले किसी एक को माइनस से, और किनारे किनारे वाले को आपस में जोड़ दिया, तब ये किस क्रम में बन गया, समांतर क्रम में बन गया, ठीक है। इन दोनों को लिख लीजिए जल्दी से, बना लीजिए पहले, क्या ये दोनों समझ में आया? अब सी है तो यहाँ पर टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ए और डी का मान रख देंगे, यहाँ पर है तो सी अपान टू, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वन अपान टू सी डैश बराबर, और ये एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ठीक है। चलिए हटा दें, बना लीजिए जल्दी से, क्या इतना समझ में आया, आया सभी लोगों को? तो चलिए आगे देखा जाए इसमें। अब हमने तीन का बनाया, अब चार प्लेट लगाएंगे, ठीक है, तो चलिए चार प्लेट को हम समझाते हैं, उसके बाद पांच प्लेट पर आएंगे। तो चार प्लेट का, एक दो तीन चार, ठीक है, तो कई संधारित्र बना,
C1, C2, C3 बना, ठीक है। अब इसको हमने प्लस सिरा से जोड़ दिया, इसको प्लस सिरा से, और इसका कनेक्शन कर दिया माइनस सिरा से। तो जब ये प्लस सिरा हो गया तो ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया। जब ये माइनस हुआ तो इधर प्लस होगा, क्लियर है। इधर क्या होगा, प्लस होगा, ये प्लस है तो इधर माइनस हो गया, जब इधर माइनस हुआ तो इधर प्लस हो गया, क्योंकि इसमें नहीं जोड़ा गया है। जब ये प्लस हुआ तो इधर माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए कि जब हर एक एक कैपेसिटर की बात करें तो ये प्लस वाला यहाँ पे जुटा, इसका ये प्लेट, ये इसका प्लेट, ये प्लस तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब इसका इधर वाले इस कैपेसिटर C2 कैपेसिटर के प्लस से जुटा है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हुआ। फिर इसका माइनस वाला सिरा जो है इधर आया, इसका प्लस, फिर इसका माइनस यहाँ पे आया, और इसका प्लस हो गया, इसका प्लस, ये प्लस सिरा है, फिर यहाँ पर माइनस आ गया, तो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया। तो ये किस में हो गया, जब प्लस माइनस जुड़ता चला गया तो ये किस क्रम में हो गया, ये सीरीज में हो गया। किस क्रम में हुआ, श्रेणी में हो गया। अगर ये CCC हो तो इसका मतलब है कि 1/C- बराबर लिखेंगे 1/C+1/C+1/C, तो ये क्या लिखेंगे, 3/C, ठीक है। तो C- बराबर क्या हो जाएगा, C- C/3, तो ये लिखेंगे 1/3 ε0 A/D, क्लियर। ये तीन प्लेट के लिए पहला केस है, तीन प्लेट का पहला केस, जब किनारे किनारे वाला जोड़ा गया है तब, लिख लीजिए, बना लीजिए। हो गया, अब देखिए दूसरा केस, जब चार प्लेट लगे हैं, ये ऐसे एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, चार प्लेट, ठीक है। अब अगर सपोज दैट यहाँ पर इसमें से बीच वाले को हमने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया माइनस से, ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया माइनस से, और इसको जोड़ दिया प्लस से, इसको जोड़ दिया प्लस से, ठीक है, और इसका कनेक्शन कर दिया, इस वाले का कनेक्शन कर दिया इधर से, देखिए, ठीक है। अब चलिए एक कनेक्शन उसी के साथ करना, अब इसका इसके साथ तो कनेक्शन करेंगे नहीं, इसका अगर हम इसके साथ कनेक्शन करेंगे, इसका बीच वाले का, तो वो भी करके देख लेंगे, पहले इसको तो समझ लें, फिर हम करेंगे इसका भी, इसके साथ कनेक्शन कर देंगे। चलिए तो देखा जाए यहाँ पर कि जिसमें जोड़ा जाता है, सप्लाई दिया जाता है, उसी प्लेट का कनेक्शन किसी दूसरे प्लेट से हम करेंगे जिसमें सप्लाई दिया गया है, ठीक है, और जो सप्लाई नहीं दिए गए हैं उनका भी हम एक साथ कर सकते हैं, तो उसका भी करेंगे। तो सप्लाई जो दिया गया है, ये प्लस वाला, तो प्लस वाला आ गया इसमें, इसका मतलब ये तो प्लस है ही प्लेट, ये तो दोनों तरफ प्लस, तो ये भी प्लस हो गया। अब समझिए कि इसमें जो है दो, एक, दो, तीन, ठीक है, तीन कैपेसिटर बना हुआ है। अब तीन कैपेसिटर में दो तो पैरेलल दिख रहा है कि एक इसका है और एक इसका है, क्लियर है। अब देखिए इस प्लस है तो ये माइनस हो गया,
इधर भी तो इस संधारित्र दूसरे संधारित्र का भी तो ये माइनस है। देखिए तीसरे संधारित्र का माइनस और दूसरे संधारित्र का माइनस एक जगह है, क्लियर है। अब ये प्लस था तो इधर माइनस हुआ और ये माइनस था तो इधर प्लस हुआ, और समझिए इसका मतलब ये और यानी दो और एक, एक और दो तो सीरीज में जुड़ गया, तो एक और दो को हम सीरीज में जोड़ दें, ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, एक और दो, एक और दो, ये तो सीरीज में जुड़ गया, ठीक है। अब इसका माइनस सीधा यहाँ पर आ गया, माइनस से हमने जोड़ दिया इधर प्लस से, ठीक है। तो प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, ये आ गया यहाँ पर। अब ये तीसरा के साथ तो देखिए इसका प्लस सिरा, इसका प्लस सिरा ये जोड़ा गया है इसके प्लस से, तो प्लस से हमने जोड़ दिया, और इसका माइनस जोड़ा गया है इससे, तो हमने इससे जोड़ दिया। अब देखिए दो सीरीज में हो गए और एक किस में हो गया, पैरेलल में हो गया, इसके साथ ये पैरेलल में हो गया, समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसको जब हमने इसमें जोड़ा तो ये दो का एक और तीन तो समांतर में हो गए, लेकिन ये दोनों किस में था, तो ये दोनों सीरीज में था, इधर माइनस है फिर इधर प्लस, ये प्लस था तो इधर माइनस, तो देखिए प्लस माइनस एक प्लेट पर है, एक ही प्लेट पर एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, तो ये किस क्रम में हो जाएगा, ये हो जाएगा सीरीज में, और जब ये दोनों तरफ प्लस होता है तब किस क्रम में हो जाता है, समांतर में। जैसे देखिए यहाँ पर तीन नंबर है, ये दो नंबर है, दोनों का भाई सप्लाई दिया जा रहा है, तो जिसको जिस प्लेट को सप्लाई देंगे उसमें दोनों तरफ प्लस रहेगा, दोनों तरफ माइनस रहेगा, क्लियर है। ये बाहर की तरफ तो कोई कैपेसिटर बन नहीं रहा है, तो अंदर की तरफ होगा, तो ये प्लस ये माइनस, इसीलिए ये सीरीज में हो गया और ये किस में हो गया, समांतर में हो गया, क्लियर। तो अब इसमें अगर निकालना हो तो ये सी और सी निकालें, तो सी और सी ये श्रेणी क्रम में है, तो वन अपान सी डैश बराबर वन अपान सी प्लस वन अपान सी, तो दो बटा सी, तो सी डैश हो गया सी बाई टू, और उसके साथ ये जो है समांतर क्रम में है, तो अब यहाँ पर सी तुल्य धारिता सी हो तो सी प्लस सी डैश, क्योंकि समांतर क्रम में है इसके साथ, तो ये सी प्लस सी डैश, और सी प्लस सी डैश का मान है सी बाई टू, तो ये जोड़ते टू सी और ये एक, तो थ्री बाई टू सी। अब थ्री बाई टू सी, सी का मान एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, तो ये हो जाएगा सी, यानी इसका तुल्य कैपेसिटर जो होगा वो इतना हो जाएगा, तो लिख लीजिए इसे भी, इसे भी बना लीजिए। हो गया, बोलिए। चलिए अब देखिए, ये तो उसी का चार प्लेट का ये दूसरा शर्त था, अब चार ही प्लेट है, तीसरा शर्त क्या है, तो तीसरा शर्त चार प्लेट के लिए, एक दो तीन चार, ठीक है। हम क्या करें कि बीच का ही दोनों को कनेक्शन कर दें, इसको माइनस से और इसको प्लस से, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। अब इसका तुल्य कैपेसिटेंस आपको ज्ञात करना है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये प्लस है ना, तो इसमें एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, तीन कैपेसिटर हैं, क्लियर, तीन कैपेसिटर हैं, तो ये प्लस सिरा जोड़ा गया, तो इधर भी प्लस, दो का प्लस और तीन का प्लस एक जगह हो गया,
ये तो माइनस हो गया ना, ये माइनस हुआ। चलिए इधर क्या हो गया, ये भी माइनस है। जिसको जोड़ेंगे सप्लाई देंगे उसके दोनों तरफ माइनस माइनस रहेगा या प्लस प्लस रहेगा। तो जब ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए इसका प्लस सिराया है, इसमें माइनस वाले में जुटा है, यानी एक और तीन जो है सीरीज में जुटा है। एक और तीन सीरीज में ये माइनस सिरा है, तो माइनस सिरा यहाँ पर हम बना देते हैं। और एक और तीन, तो एक के साथ ये एक नंबर है, ठीक है, और एक के साथ तीन नंबर है, ये तीन नंबर है, ये सीरीज में, ठीक है। एक और तीन, एक और तीन सीरीज में हो गया, ये ऐसे आया। और ये दो और तीन, तो दो का भी प्लस, तो ये एक है ये तीन है। तो ये देखिए इधर हो गया माइनस, ये प्लस, फिर माइनस, इधर प्लस आया, दो का प्लस आया इधर। अब देखिए दो का प्लस हो गया यहाँ पर और तीन का प्लस भी यहीं पर है, तो तीन का प्लस नीचे जोड़ देते हैं। तीन का प्लस हो गया, तीन का माइनस गया और किसके साथ जुड़ गया, तो तीन का माइनस, समझिए, अब तीन का माइनस यहाँ पे क्या है कि तीन का माइनस गया है, ये तीसरे का प्लस है, तीसरे का प्लस जुट गया इसके साथ, और तीसरे का माइनस जो है दूसरे के प्लस से जुटा है ना, दूसरे के प्लस से जोड़ देते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, दूसरा का प्लस से जोड़ा गया है ये तीसरा। अब यहाँ पर क्या है कि पहला दूसरा तीसरा, अब ज़रा समझिए यहाँ पे अच्छी तरह से। हमने क्या किया है कि ये पहला था तो पहले का माइनस, ठीक है, और पहले का प्लस सिरा दूसरे के साथ गया तो तीसरे के माइनस सिरा से जुटा। अब देखिए पहले पहले का ये पहला नंबर है, तो पहले का माइनस सिरा इधर है और दूसरे का माइनस सिरा भी यहीं पर जुटेगा। तो ये दूसरा है ना, तो पहला और दूसरा का माइनस सिरा एक जगह जुटा है, सॉरी पहला और दूसरा का माइनस सिरा, तो ये दूसरा कैपेसिटर है, तो दूसरा का माइनस सिरा यहाँ पर गया और पहला का प्लस और तीसरा का माइनस जुट गया। तो पहला का प्लस और तीसरा का माइनस जुटा, ठीक है, और तीसरा का प्लस, तीसरे का प्लस, ठीक है, और दूसरे का प्लस एक जगह जुट गया, तो जोड़ दिया गया। अब देखिए ये भी सी, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो जैसे ये बना है, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी बन गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए इसी का चौथा रूप देखिए, तो चौथा रूप पहले इसको भी बना लीजिए तीसरा कि ये बीच वाला जोड़ दिया गया तो भी ये और ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है, बना लीजिए। इसमें क्या था, किनारे किनारे वाला जोड़ा गया था लेकिन किनारे वाले को ही, इसी को हमने प्लस किया था और एक बीच वाले को इसमें प्लस किया था एक छोड़ कर। और इसमें क्या था कि दोनों बीच वाले को सप्लाई दिया गया और किनारे किनारे जोड़ दिया गया, तो दोनों एक ही बात, ठीक है। हो गया, चलिए अब देखिए, अब तो दोनों हो गया ना। कि अगर हम ये करते हैं एक और कंडीशन कि ये जोड़ दिया एक दो तीन चार, ठीक है, सपोज दें अगर हम जो हैं इनको ऐसे जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ देते हैं, इसको माइनस और इसको प्लस, ठीक है, इसको प्लस हमने कर दिया, और
इसका कनेक्शन हम कर दें इसका इससे कर इसका कनेक्शन इससे कर ठीक है। तो इसका कनेक्शन अगर किनारे वाले का कनेक्शन इधर वाले से कर देते हैं ठीक है। जब इसका कनेक्शन इसके साथ कर दिया गया सब जुट गए। अब देखिए अगर हम इसका कनेक्शन बीच वाले के साथ कर देते तो ये प्लेट खाली हो जाता ना, इसका कहीं कनेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर संधारित्र नहीं बनेगा। हमको ऐसा जोड़ना रहता है ताकि कैपेसिटर का कार्य करे। जब इसको जोड़ेंगे ही नहीं, किसी से जुटेगा ही नहीं, तो केवल तीन ही प्लेट काम कर रहा है ना, इसीलिए जब हम इसको जोड़ देंगे तब ये चारों प्लेट काम करेगा ठीक है। अब ये नहीं कि हम जो है बीच वाले को जोड़ दें इससे तब नहीं काम करेगा। तो अब चलिए देखिए यहाँ पर अगर ऐसा जोड़ा गया है ठीक है, तो अगर हम इस तरह जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखा जाए क्या होता है कि ये प्लस है तो इधर तो प्लस हो गया, समझिए, फिर ये भी प्लस हो गया, ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया, तो इधर प्लस हो गया क्योंकि तो जोड़ा नहीं गया है, तो ये माइनस हो गया, माइनस ये है ही, और इधर भी माइनस है क्योंकि ये जोड़ा गया है। तो अब देखिए ये गया प्लस तो प्लस प्लस के साथ जुटा, तो ये किस क्रम में हो गया, यानी अगर हम इनको क्रम से दें 1 2 3 तो पहला और तीसरा श्रेणी में है, तो पहला और तीसरा हम श्रेणी में जोड़ दें, इधर प्लस कर दें, ये पहला कर दें, ये तीसरा कर दें ठीक है। अब देखिए तीसरे का माइनस यहाँ पर आ गया, माइनस आ गया यहाँ पर ठीक है। अब दूसरे का माइनस और पहले का माइनस एक जगह है, दूसरे का माइनस तो दूसरे का माइनस यहाँ पर आया, दूसरा का माइनस, देखिए दूसरे का माइनस सिरा, दूसरे का माइनस सिरा यहाँ पर है ठीक है। अब पहले का माइनस सिरा है, और देखिए तीसरे का प्लस था, पहले का ये प्लस था ना, पहले का प्लस सिरा यहाँ पर है और पहले का माइनस सिरा इसके साथ जुटा है, पहले का माइनस सिरा, पहले का प्लस सिरा गया है और किस में जुट गया, तो तीसरे के प्लस सिरा से जुटा, तो पहले का प्लस सिरा और तीसरे का प्लस सिरा तो एक जगह जुट गया, तो यहाँ पर तीसरा का प्लस सिरा हम कर देते हैं, तीसरे का प्लस सिरा और पहले का प्लस सिरा जोड़ दें ठीक है। ये पहला हो गया और ये तीसरा हो गया। अब देखिए पहला और तीसरा प्लस सिरा हो गया, और पहला का माइनस सिरा, तो पहला का माइनस सिरा सीधे गया, माइनस जुट गया। अच्छा तीसरे का प्लस सिरा, अब देखिए जरा कि पहला यहाँ पर पहले का माइनस, ये पहला, और तीसरा का प्लस सिरा, ये तीसरे का प्लस सिरा, तीसरे का माइनस सिरा दूसरे के साथ जुटा है, दूसरे के प्लस से जुटा है, ये दूसरा हो गया ठीक है, ये तीसरा हो गया और ये हो गया पहला, ये हो गया पहला। तो देखिए अब पहले का माइनस सिरा भी गया, माइनस से जुटा, और दूसरे का भी माइनस सिरा माइनस से जुटा, और पहले का प्लस सिरा ठीक है, पहले का प्लस सिरा और तीसरे का प्लस सिरा एक जगह हो गया, पहले और तीसरे का प्लस सिरा एक जगह हो गया, तीसरे का माइनस सिरा और दूसरे का प्लस सिरा हो गया एक जगह जुट गया, तो ये हो गया। अब ये भी आप देखिए तो इसी तरह का बन रहा है, कब, जब हम ये और ये जोड़ रहे हैं, इन दोनों को आपस में ले जा रहे हैं तब, क्लियर है, बोलिए। अब यहाँ भी इसी तरह का बना, अब ध्यान समझिए, यदि ये ऐसा होता, चार प्लेट हैं, जितने जोड़ने के तरीके हैं सब लगभग बता रहे हैं कि चार प्लेट हैं ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें प्लस से ठीक है, और इसको जोड़ दें माइनस से,
या तो हम ये कहें कि इन दोनों को जोड़ दें और इधर कर दें माइनस, ठीक है। अब ये कनेक्शन हो गया। अब आप देखिए कि जब हमने इसको प्लस से जोड़ा, किससे जोड़ा, प्लस से, तो जब इसको प्लस से जोड़ा तो ये तो प्लस हो गया, इधर प्लस हो गया, ठीक है। ये किससे हो गया, प्लस से हो गया। अब सोचिए कि क्या हम बना पाएंगे, जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे। ये प्लस हो गया, ये तो माइनस हो गया ना, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जरा देखिए कि जब ये माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस जोड़ा तो ये भी तो माइनस हो गया, और ये तो प्लस है ही। अब समझिए, ये भी तो प्लस है और ये भी प्लस है, क्योंकि जोड़ा गया है। तो क्या ये बीच वाला कैपेसिटर का काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि एक सिरा जब प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, और दोनों को हमने प्लस से जोड़ दिया। क्या ऐसा हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्लियर है। ऐसा हम कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्लस से जोड़ेंगे बीच वाले को तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो दोनों प्लस होगा तो ये कैपेसिटर का काम करेगा ही नहीं, करेगा कैपेसिटर का काम नहीं करेगा, इसलिए इस तरह का कनेक्शन हम नहीं करेंगे, क्लियर है। हाँ, लेकिन अगर ये होता कि इन दोनों को हम जोड़ देते, इन दोनों को आपस में क्या करते, जोड़ देते, ठीक है, और इसको हम और इसको अगर कनेक्शन करते हैं, अगर यहाँ पर केवल जोड़ देते और इसे जो है माइनस कनेक्शन देते और इसको किस से देते, प्लस से देते, और इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में हमने जोड़ दिया। तो जब आपस में जोड़ दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये माइनस है तो ये प्लस बन गया, तो इसका प्लस और इसका प्लस एक जगह आ गया, और इसका भी माइनस इधर का, देखिए यहाँ पर दो प्लेट होगा, जुड़ा तो है नहीं, तो इसमें दो प्लेट है ना, तो इसमें भी एक प्लस है तो इसका भी एक सिरा होगा, तो ये माइनस है, तो ये तो चूंकि माइनस है तो एक तरफ का प्लस बना, एक तरफ क्या हो गया, प्लस बना। और यहाँ पर जब हमने इसको जोड़ा तो ये प्लस का प्लस से जुट गया और माइनस का माइनस से जुटा, समझिए क्या है कि अगर हमने इसको जोड़ा तो ऐसे यहाँ पर हमने जोड़ दिया, यहाँ पर देखिए एक नंबर है, ये दो नंबर है, ये तीन नंबर है, एक नंबर है, एक नंबर का माइनस सिरा हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है, ये गया तो इसमें प्लस में आ गया। अब देखिए इसको जब हम इससे कनेक्ट करा दिया, इन दोनों को क्या किया, कनेक्ट करा दिया, इन दोनों को जब हम कनेक्ट करा दिए, अगर ये कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, यदि ये कनेक्ट नहीं होते तब तो ये सीरीज में हो जाता, तब ये क्या हो जाते, सीरीज में हो जाते। लेकिन जब इन दोनों को हम कनेक्ट करा दे रहे हैं, ऐसे क्या किए, कनेक्ट करा दिए, तो जब कनेक्ट करा दिए तो अब ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला ये काम नहीं कर पाएगा, बीच वाला जो है काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो इसे जोड़ दिया ना, हमने इसे जोड़ दिया, जब इसको इसके साथ जोड़ दिया तो जो प्लेट ये होगा वही प्लेट ये भी होगा, सेम हो जाएगा। जैसे ही जोड़ा तो प्लेट तो सेम हो गया ना, जैसे यहाँ पर हमने इसको इसको जोड़ा तो ये दोनों माइनस हो गया, क्योंकि अगर ये माइनस है तो ये माइनस हो गया। तो इन प्लेट का कनेक्शन एक दूसरे से हम कर दें, ठीक है, ऐसे एक दूसरे से जोड़ दें, तो जब एक दूसरे से जोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि इस अगर ये प्लस हुआ तो ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था तो इसका प्लस था। अब ये बीच वाला जो स्थान है ये कैपेसिटर का काम नहीं करेगा, क्योंकि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो कैपेसिटर का कार्य करेगा, नहीं करेगा, ये प्लस है तो इधर माइनस, क्योंकि इसमें जोड़ा ही नहीं गया, तो दोनों का माइनस एक ही तरफ है तो कैपेसिटर का कार्य नहीं करेगा,
क्लियर है। तो जो संभावित होता है वही हम बना पाते हैं, जोड़ेंगे, बाकी ऐसे नहीं कि किसी भी तरह जोड़ देंगे तो संधारित्र बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्लियर है। अब देखिए, ये तो चार के लिए था, चार के लिए सभी बता चुके हैं कैसे कैसे हम जोड़ेंगे। अब देखिए, यदि जैसे चार प्लेट ही हो और ये चार प्लेट हैं, ठीक है, और इस बार जो है हम जोड़ दें एक छोड़कर ऐसे कि इसको हम जोड़ दें माइनस सिरा से और इसको जोड़ दें प्लस सिरा से, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दें आपस में, तब जरा देखिए क्या होता है। ये पांचवा है तो ये माइनस जोड़ा तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस होगा, ये प्लस हुआ। अब देखिए इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्या कह रहा है कि अब इसके साथ यहाँ पर दो संधारित्र हैं, ठीक है, और इसके साथ माइनस, तो माइनस में देखिए ये पहला है संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है, ठीक है, तो हम माइनस यहाँ पर बना देते हैं। और माइनस के साथ अब दो संधारित्र तो यहाँ समांतर में हो गए, तो दोनों पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा का माइनस जो है एक जगह कर देते हैं, ठीक है, और इसका प्लस गया और इसका माइनस आया, तीसरे का माइनस, तो तीसरे का माइनस देखिए एक जगह है, तीसरे के माइनस से जुटा है, ठीक है, और तीसरे का माइनस दूसरा का प्लस से जुटा है, और तीसरा का माइनस पहले के प्लस से जुटा है, यानी इन दोनों का प्लस इधर है माइनस माइनस, तो इसका प्लस और इसका प्लस तीसरे के माइनस से ही जुटा है, तीसरे के किससे जुटा है माइनस, तो इन दोनों को पहले जोड़ दें और तीसरे के माइनस से हम जोड़ दें ऐसे, ठीक है, इधर प्लस है तो इधर माइनस, तो प्लस माइनस एक जगह जुट गया। अब देखिए मिला लीजिए कि पहले का ये पहला संधारित्र है, पहला संधारित्र है तो इसका माइनस हमने यहाँ पर रख दिया, ये पहला है और पहला और ये दूसरा है, क्योंकि इसमें दो संधारित्र है इस प्लेट से बीच वाले से एक दो, ठीक है, तो दोनों प्लेट को हमने जोड़ दिया, दो संधारित्रों को पहले और दूसरे को, पहले और दूसरे का दोनों का माइनस एक जगह कर दिया, ठीक है। अब इसका पहले का ये प्लस, पहले का प्लस गया और तीसरे के माइनस से जुटा, तो पहले का प्लस तीसरे के माइनस से जुटा, और दूसरे का प्लस, दूसरे का प्लस भी किसके साथ जुटा है, तीसरे के माइनस जुटा है, तीसरे के माइनस से जुड़ दिया और तीसरा का प्लस इधर आ गया। अब देखिए कि ये और ये समांतर में हो गया, तो ये समांतर में हो गया तो इन दोनों का तुल्य धारिता अगर सी डैश है तो सी डैश टू सी हो जाएगा, क्योंकि ये सी प्लस सी लिखेंगे तो टू सी हो जाएगा, और ये पूरा तुल्य सीरीज में है तो सी डैश वन अपान कैपिटल सी बराबर लिखेंगे वन अपान सी डैश प्लस वन अपान सी, अच्छा वन अपान सी डैश का मान है टू सी, तो वन अपान टू सी प्लस वन अपान सी, तो ये हो जाएगा क्या कि नीचे तो टू सी हो जाएगा, ये एक और ये दो, दो एक तीन, तीन बटा टू सी वन अपान कैपिटल सी, तो कैपिटल सी बराबर क्या हो जाएगा दो बट्टा थ्री सी, अब ये हो जाएगा दो बट्टा थ्री सी का मान एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ठीक है, तो ये भी एक कनेक्शन बना लीजिए। यानी चार प्लेट के लिए पांच कंडीशन हमने बता दिया, इसी को फिर पलट देंगे कि इसको और इसको कर दें फिर इन दोनों को जोड़ दें, बातें कही हैं, चाहे उधर से जोड़े चाहे उधर से, वही छः सात प्रकार से जोड़ेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन होंगे जो सबका सेम होगा, जैसे अभी पीछे हमने बताया सब तीन चार का सेम ही था, तो सभी के जोड़ने का तरीका एक ही था, लेकिन जो है वो अलग अलग तरह से दिख रहा था, ठीक है, तो इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी बना लीजिए, हो गया।
अब इतना तो समझ में आ गया होगा, अब 5 प्लेट पर आ जाएं। चलिए अब 5 प्लेट पर आते हैं, हो गया। चलिए 5 प्लेट पर आते हैं। 5 प्लेट को के लिए देखा जाए तो पहला नंबर 5 प्लेट के लिए 1, 2, 3, 4, 5 5 प्लेट है। इसको हमने जोड़ दिया प्लस मेंस से और इसको जोड़ दिया माइनस मेंस, ठीक है। तो अब देखिए अब ये पूरा बनेगा, यानी ये प्लस हुआ तो इसका माइनस होगा, एक तरफ प्लस होगा तो इसका माइनस होगा, फिर एक तरफ प्लस होगा तो एक तरफ माइनस होगा, फिर इसका एक प्लस होगा तो ये माइनस है, आ गया। यानी सब के सब किस क्रम में होंगे, सीरीज में होंगे, तो जोड़ देंगे 1, 2, 3, 4 क्योंकि 1, 2, 3, 4 बना है संधारित्र, चारों को यहाँ पर माइनस कर दें, यहाँ प्लस कर दें, तो ये सी डैश है, अगर तो 1/c (1/c) + 1/c + 1/c + 1/c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/c, तो सी डैश बराबर c/4, इसका मतलब है कि 1/4 एप्साइलन नॉट a/d, ए क्या है क्षेत्रफल दिया होगा, और डी 1, 2, 3, 4, 5 इन दोनों को माइनस से कनेक्ट करा दिया और इसको जोड़ दिया और इसको हमने प्लस से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर ये प्लस हो गया तो ये भी प्लस हो गया, ये माइनस है ये भी माइनस है, ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया, ये माइनस है, इधर इधर भी माइनस है। चलिए अब क्रम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखिए माइनस सिरा पर देखिए, तो पहला कैपेसिटर का माइनस, दूसरा का माइनस, तीसरा का माइनस, चौथा का माइनस, सबका एक जगह हो गया ना, तो 1, 2, 3, 4 ये 4 कैपेसिटर बना दें, सभी का माइनस एक जगह जोड़ दें, ठीक है। तो सबका माइनस जब एक जगह जोड़ दिया गया तो इसका मतलब सबका माइनस हो गया, तो सबका प्लस एक जगह हो गया, सबका प्लस क्या हुआ एक जगह हो गया, इसका मतलब ये किस में हो गया, समांतर क्रम में हो गया, तो 1/ समांतर क्रम में हो गया, तो सी बराबर c + c + c + c, यानी क्या हो गया 4c, क्या हो गया 4c, इसका मतलब 4εo(a/d), क्लियर। चलिए अब देखिए इसी का तीसरा रूप, तीसरा कनेक्शन, तो इसका तीसरा कनेक्शन देखा जाए, यदि सपोज दैट एक, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और ये इस प्रकार हम कनेक्शन करते हैं इसका कि इसको और इसको एक साथ जोड़ दें और इन दोनों को एक साथ जोड़ दें, ठीक है। इसको हमने प्लस से जोड़ दिया, इसको माइनस से जोड़ दिया। अब जरा समझिए कि प्लस और माइनस से जब हमने जोड़ दिया तो क्या बनेगा, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं ये प्लस हो गया, क्लियर, ये भी प्लस हुआ, ये भी प्लस हो गया,
ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, इधर भी माइनस हो गया, तो ये प्लस हो गया, तो इधर माइनस हो गया। ठीक है, चलिए अब आइए क्रम से निकलते, 1 2 3 4 कैपेसिटर। ठीक है, पहले कैपेसिटर का प्लस, देखिए पहले का प्लस, तीसरे का प्लस, चौथे का प्लस एक जगह है, पहला तीसरा चौथे का प्लस एक जगह है, तो पहला का प्लस, तीसरा का प्लस, चौथा का प्लस एक जगह पहले हम करते हैं। क्लियर है? अब जरा समझिए कि पहला का प्लस, तीसरा का प्लस, चौथा का प्लस एक जगह, अच्छा चौथा का माइनस और पहला का माइनस, दूसरा का माइनस एक जगह है, पहला दूसरा और चौथे का माइनस एक जगह, ये क्या है, ये है पहला, ये है तीसरा, ये है चौथा। ठीक है, अच्छा पहले का माइनस एक जगह है, दूसरे का माइनस एक जगह है, दूसरे का माइनस और चौथे का माइनस एक जगह है, तो चौथे का माइनस एक जगह है, तो पहला का माइनस और चौथा का माइनस तो हम जोड़ दें, पहले जुट गया पहला का चौथे का माइनस, अभी तो दूसरा हमको मिला ही नहीं। चलिए दूसरे का माइनस और तीसरे का प्लस एक जगह है, तो दूसरे का माइनस, ठीक है दूसरे का प्लस, तीसरे का माइनस, तो दूसरे का प्लस, तीसरे का माइनस एक जगह, ठीक है, तो पहले का ये दूसरा नंबर हो गया और तीसरे का प्लस दूसरे का माइनस, दूसरे का प्लस और तीसरे का माइनस एक जगह, तीसरे का माइनस दूसरे का प्लस एक जगह हो गया। ठीक है, और दूसरे का माइनस पहले के माइनस से जाकर जुट गया, जोड़ दिया गया। क्लियर है? अब देखिए इसमें हमने बना दिया, यहाँ पर समझिए पहले का प्लस और पहले का प्लस, तीसरे का प्लस, चौथे का प्लस, देखिए पहला तीसरा चौथा का प्लस एक जगह हो गया। ठीक है, प्लस सिरा है। अब पहले का माइनस और चौथे का माइनस, तो पहले का माइनस और चौथे का माइनस यहाँ पर आ गया, एक जगह हो गया। फिर दूसरे का माइनस, तो दूसरा का ये माइनस सीधा एक जगह गया, तो दूसरे का प्लस और दूसरे का प्लस और तीसरे का माइनस, तीसरा का ये माइनस है, एक जगह हो गया। ठीक है, और ये तो चौथा हो ही गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये पहले तो ये सीरीज में है, तो सीरीज का हम निकाल लेते हैं, तो दूसरे और तीसरा, दूसरा व तीसरा श्रेणी में है, श्रेणी में है, इसलिए, ठीक है, इसलिए 1/C बराबर 1/C प्लस 1/C बराबर 2/C, दिस इंप्लाइज C बराबर C/2। अच्छा अब C, अब पहला चौथा व C समांतर में है, किसमें है, समांतर में, तो पहला चौथा और C समांतर में है, तो इसलिए कैपिटल C बराबर C प्लस चौथा का भी C, पहले का C, चौथे का C है, C आ गया कितना, C/2, ये कितना हो जाएगा 2, तो 2C, 2×2=4, 1×5, 5C/2, तो ये आ गया, तो यानी 5/2 ε₀ a/d, क्योंकि C की वैल्यू है ε₀ a/d। ठीक है, तो ये किसका बना, ये बन गया इसके लिए, जबकि इसका इसका कनेक्शन है और इसका इसका कनेक्शन है। ठीक है, देखिए जो जो प्लेट है, जिसको हम आप प्लस से जोड़ोगे, जिसको माइनस से जोड़ो, सप्लाई जहाँ दोगे, उस प्लेट के दोनों तरफ ही एक ही चिन्ह होगा, और जिसको सप्लाई नहीं दोगे वो क्रम से होगा, एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ माइनस, जैसे बीच वाला है
इसको सप्लाई आपने दिया नहीं दिया, तो जब सप्लाई नहीं दिया तो जिधर से सप्लाई दिए हो उधर से देखो सही क्रम सही बैठना चाहिए, अगर क्रम गलत बैठा तो आप गलत कर रहे हो। देखो ये माइनस दिए थे, इधर प्लस हो गया, इधर ऑटोमेटिक माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। अब देखो ये प्लस सिरा से जब आया था तो ये भी तो प्लस ही था, ठीक है, वैसे प्लस था ही, अब इधर प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, माइनस इसके साथ जाकर जुट गया, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब आइए अब तो पांच प्लेट का समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आज हमने जो है केवल इसी पर चर्चा ही किया, कल जो हमने प्रश्न दिया था उसका जो चित्र था कल वाले का, ठीक है, वह संभवतः दिमाग उतर गया है क्या हमने बनाया था उसको, फिर से बता देते हैं। तो चलिए कल जो हमने चित्र दिया था उसमें दिया था कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, पांच प्लेट हमने बनाया था, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, और इसको हमने प्लस से जोड़ दिया था, ठीक है, और इसको जो है हमने माइनस से जोड़ दिया था, ठीक है। अब इसी का बनाना है, चलिए अब आप बनाना बनाइए, जबकि इन दोनों को हमने जोड़ दिया था इधर एक साथ, ठीक है। तो चलिए देखिए अब ये माइनस है ना, तो इधर दोनों तरफ माइनस होगा, इधर भी इधर भी इधर भी, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है तो इधर प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा क्योंकि सप्लाई दिया जा रहा है, पहले जो सप्लाई दिया जा रहा है उसका चिन्ह आप बना लीजिए, जितना सप्लाई दिया गया उसका चिन्ह बन गया। अब देखिए जब ये प्लस है तो इधर माइनस हो गया, क्लियर है, तो इसका भी तो माइनस होगा यहाँ, क्योंकि ये सप्लाई दिया गया है। अब आप देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, क्रम से नाम लिख लीजिए, एक दो तीन चार, ठीक है। चलिए पहला कैपेसिटर है, पहले का माइनस और दूसरे का माइनस एक जगह है, पहले का माइनस और दूसरे का माइनस जो है एक जगह है, ठीक है, और प्लस देखिए तो पहले का प्लस, अच्छा दूसरे का प्लस, तीसरे का प्लस और चौथे का प्लस एक जगह है, दूसरा तीसरा चौथा का प्लस एक जगह है, तो हम दूसरा बना दें, तीसरा बना दें और चौथा बना दें, दूसरा तीसरा चौथा का प्लस एक जगह है, तो दूसरा तीसरा चौथा का प्लस हमने एक जगह कर दिया, तो इधर चार नंबर कर देते हैं, ठीक है, या दो नंबर कर देते हैं, ये दो नंबर है, ये तीन नंबर है, ये चार नंबर है। अब आइए कि दूसरे के माइनस, देखिए ये दूसरा का माइनस है और ये दूसरा का प्लस, तो दूसरा का माइनस, माइनस में आइए तो पहला का प्लस, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, अब पहला का प्लस, पहला का प्लस सिरा और पहला का माइनस सिरा, पहला का माइनस सिरा दूसरे के माइनस सिरा से जुटा है, तो पहला का माइनस सिरा, ठीक है, पहला का माइनस सिरा दूसरे का माइनस सिरा से जुटा है, तो पहला का माइनस सिरा दूसरा का माइनस सिरा एक जगह है, तो पहला का माइनस सिरा और दूसरा का माइनस सिरा हम एक जगह कर देते हैं, ठीक है, ये माइनस सिरा हो गया और पहला का भी माइनस सिरा एक जगह लाना है अभी। और देखिए आगे क्या कह रहा है कि दूसरा का, ध्यान समझिए कि माइनस सिरा और किसका,
तीसरा और चौथा का माइनस सिरा एक जगह है, तीसरा और चौथा का माइनस सिरा एक जगह है, तीसरा और चौथा का माइनस सिरा हम जोड़ दिए एक जगह, क्लियर। तीसरा और चौथा का माइनस सिरा जुट गया और ये गया है, तीसरा और चौथा का माइनस सिरा जुटा है, ठीक है। तीसरा और चौथा का माइनस सिरा पहले के प्लस सिरा से जुट गया, पहले के प्लस सिरा से जुट गया, और पहला का माइनस सिरा और दूसरा का माइनस सिरा एक जगह जुट गया। देखिए और समझ लीजिए, ठीक है, यही कल हमने बनाया था, ठीक है। तो चलिए अब आप समझिए कि पहले का, अब ध्यान समझिए, यहाँ पे समझ लीजिए अच्छी तरह से कि पहला का, देखिए पहले प्लस सिरा प्लस है गया दो तीन चार, तो दो तीन चार का प्लस सिरा एक जगह कर दिया, ठीक है। अब देखिए कि कह रहा है कि तीसरा और चौथा जो जुटा है, तीसरा और चौथा का माइनस एक जगह है, तो तीसरा और चौथा का माइनस हमने एक जगह जोड़ दिया, इधर प्लस था प्लस से जुड़े हैं तो इधर माइनस हो गया, तीसरा चौथा का माइनस एक जगह जोड़ दिया जुटा है तो। अब ये तीसरा चौथा का माइनस जाकर और पहले के प्लस से जुटा है, तो पहला का ये पहला हो गया तो माइनस हो गया, पहले का प्लस हो गया तो पहला का माइनस इधर हो गया, और माइनस आकर पहला ये सप्लाई से जुटा ही है। अब इसी का दूसरा का माइनस पहले का माइनस से जुटा है, दूसरा का माइनस और पहला का माइनस यहाँ आकर जुट गया, क्लियर। अब देखिए कि यहाँ पर प्लस माइनस हो गया ना ये, ठीक है। अब इसका निकालना है तो ये दोनों जो है किस में है, समांतर में, तो C और C मिलकर 2C हो गया, तीन और चार, तो तीन व चार यहाँ पर हम लिख दें कि तीन व चार, तीन व चार, तीन व चार, ठीक है, तीन व चार समांतर में, समांतर में, ठीक है। तीन और चार किस में, समांतर में, इसलिए C डैश बराबर C प्लस C टू सी हो गया, और ये C डैश और ये पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो अब C डैश व पहला श्रेणी क्रम में है, किस में है, श्रेणी क्रम में, तो अब जोड़ देते हैं तो ये वन अपान सी डबल डैश हो गया बराबर वन अपान सी डैश प्लस वन अपान सी, तो वन अपान सी डैश का मान टू सी है, तो वन अपान टू सी प्लस वन अपान सी, तो ये हो जाएगा टू सी, और यहाँ हो गया वन, और यहाँ हो गया दो, दो एक तीन, तीन, तो वन अपान सी डबल डैश, तो सी डबल डैश बराबर हो जाएगा दो बट्टा तीन सी, क्लियर। अब चलिए आइए यहाँ समझिए कि इसका तो आ गया, अब ये C डबल डैश और दूसरा, और ये कौन सा है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा, ये तो सेल है, ठीक है, ये सेल है, सप्लाई दिया गया। अब ये दूसरे के साथ जो है, अब दूसरा व C डबल डैश समांतर क्रम में है, इसलिए वन अपन कैपिटल सी बराबर, सॉरी सी बराबर हो जाएगा दूसरे का कैपिटल सी और प्लस ये दो बट्टा तीन सी, कितना जाएगा तीन दो पाँच, तो पाँच बट्टा तीन सी आ गया, कितना आ गया पाँच बट्टा तीन सी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा है पाँच बटा तीन सी आ गया, सी का मान तो आप रख दीजिएगा ना, तो पाँच बटा तीन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि सी का मान एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही कल बताया गया था। क्या आज समझ में आया, एक एक चीज करके शुरू से करके हमने बताया है, समझ में आ गया। इसी को दो बार तीन बार आप देख लीजिएगा, आप उम्मीद रखते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जरूर व्हाट्सएप पे बताइए, ठीक है, हम फिर प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, क्लियर है।
तो कल मुलाकात, आज हमने सोचा था कि वैद्युत धारा शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं शुरू हो पाया क्योंकि इसी को बताते रह गए। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसलिए हमने इस पर थोड़ा विस्तार करके बता दिया। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन तब जब आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तो बहुत कुछ है, ठीक है, अभी तो हमने ये छोटा सा चीज़ बता रहे हैं समझने के लिए। अभी तमाम प्रश्न तो इतने कठिन कठिन होते हैं और इतने तरीके और कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं कि अभी उस पर हम चर्चा करेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी आपकी मेमोरी लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। पहले आप कुछ और मेमोरी लेवल को बढ़ा लीजिए, उसके बाद हम और भी चीज़ों को बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि अभी हम किरचॉफ्स लॉ बताएंगे, अभी आपको ओम्स लॉ बताएंगे, ओम्स लॉ के कितनी कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे ओम्स लॉ पालन करता है, कहाँ पे पालन नहीं करता, तमाम चीज़ों पर अभी तो चर्चा हम करेंगे ना। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।